सांस का फूलना, सीने में घरघराहट, सांस लेने में दिक्कत, दवाइयां लेने के बाद भी लगातार खांसी का बना रहना, ये लक्षण हैं फेफड़ों की पुरानी बीमारी के, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD कहा जाता है। आमतौर पर हानिकारक गैसों और प्रदूषकों के लगातार संपर्क में आने के कारण पनपने वाली ये बीमारी भारत जैसे देशों में बहुत आम है। देखा जाए तो दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों के बाद COPD मौत के मामले में दूसरे स्थान पर आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2017 में ही COPD से देश में करीब 10 लाख लोगों की जान चली गई। वहीं मौजूदा कोरोना काल में COPD मरीजों में वायरस का प्रकोप और मृत्यु दर 63% से ज्यादा दर्ज की गई। COPD की सही समय पर पहचान नहीं हो पाती और जब तक रोग का पता लगता है तब तक बीमारी विकराल रूप ले चुकी होती है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि रोगी के नैदानिक लक्षणों का सही समय पर पता लगाया जा सके। COPD के निदान का बेहतरीन मापदंड स्पाइरोमीटर है और एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 10% भारतीय विशेषज्ञ डॉक्टर वास्तव में स्पाइरोमीटर का उपयोग करते हैं। समस्या न केवल परीक्षण की लागत है बल्कि डेटा को समझने में कठिनाई की भी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने COPD का पता लगाने के लिए एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नैदानिक उपकरण प्रणाली विकसित की है, जो रोगी के जरूरी शारीरिक गतिविधि मानकों की निगरानी कर फेफड़ों की क्रॉनिक बीमारी के निदान में सहायक हो सकती है। सामान्य रूप से हम सभी चीजें जो स्पाइरोमेट्री से की जा सकती है वह सभी कुछ हम अपने मास्क से कर सकते हैं और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से उसका डाटा हम अपने क्लाउड सर्वर में ट्रांसफर कर उसका बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने स्पाइरोमेट्री के इस्तेमाल की जटिलताओं को आसान बना दिया है, जिससे मरीज की रिपोर्ट भी तुरंत ही ऑटोमेटिकली हमारे ऐप और हमारे सर्वर में आ जाएगी और डॉक्टर को मिल जाएगी। सेनफ्लेक्स नाम के इस सिस्टम में मुख्य रूप से तीन घटक हैं। पहला एक स्मार्ट मास्क, दूसरा मोबाइल ऐप और IoT क्लाउड सर्वर। स्मार्ट मास्क ब्लूटूथ के माध्यम से एंड्रॉइड बेस्ड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन से जुड़ा होता है, जो मोबाइल द्वारा क्लाउड सर्वर से अटैच कर दिया जाता है। मास्क द्वारा रोगी की श्वसन दर, हृदय गति, सांस लेने का पैटर्न और रक्त में ऑक्सीजन मात्रा का डेटा रिकॉर्ड होकर क्लाउड में पहुंच जाता है, जहां मशीन लर्निंग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर COPD की गंभीरता का अंदाजा लगाया जाता है। पूरी एनालिसिस के बाद रिपोर्ट मोबाइल ऐप पर आ जाती है, जिसे डॉक्टरों द्वारा परामर्श के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह लगातार निगरानी कर रोगियों को इस पुरानी जानलेवा बीमारी से बचाया जा सकता है। इस तकनीक से न सिर्फ बीमारियों का पता लगेगा बल्कि उसे नियंत्रित रखने में भी मदद मिलेगी। जैसे अगर डॉक्टर मरीज को सांस लेने के कुछ व्यायाम करने की सलाह देते हैं तो मरीज उसे घर में रहकर कर सकता है और इस डिवाइस से उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसे डॉक्टर अपने क्लिनिक से फॉलो कर सकता है, क्योंकि सारी रिपोर्ट सर्वर में आ जाएगी। इसके जरिए वो मरीज के अंदर हो रहे सुधार को भी बारीकी से देख सकते हैं। तो यह एक दूसरा पहलू है हमारी इस डिवाइस का। हम मानते हैं कि यह वर्तमान में जो तकनीक डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं उससे सस्ती और उपयोग में आसान तकनीक है। सिस्टम विकसित करने वाले शोधकर्ताओं के मुताबिक इसका उपयोग बिना किसी जटिल प्रशिक्षण के आसानी से घर पर रहकर भी किया जा सकता है, जिससे मरीजों को बार बार डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाने से निजात मिलेगी और वह नए तरह के संक्रमण से भी बचे रह सकते हैं और उन्नत किस्म की स्वास्थ्य सेवाओं और नवीन तकनीक का इस्तेमाल जटिल और क्रॉनिक बीमारियों का निदान कर सकता है, जिसमें ये नैदानिक उपकरण एक अहम पहल है, जो न सिर्फ COPD रोग का समाधान कर सकती है बल्कि चिकित्सा पद्धति के नए आयाम खोल सकती है।